हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल सिविल इंजीनियर्स पर, जहां हम आपको ऑटोकैड 3D, सॉलिड वर्क्स, रेविट आर्किटेक्चर इन सब के बारे में बताते हैं। और पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था लाइन, ट्रिम, इंटेंटिटीज, मिरर इंटेंटिटीज, और जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, लाइन के बारे में और जानेंगे। तो आइए अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया गया था, हम पार्ट्स सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं ये MMGS पे है या नहीं। तो MMGS मैंने बताया था क्यों होता है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वेट, मिनिमम टाइम। स्केच लेते हैं। सबसे पहले हम एक ड्राइंग बनाएंगे जिसमें हम लाइंस प्रॉपर्टीज का यूज़ करेंगे। तो प्लेन को इधर शिफ्ट करते हैं, लाइन लेते हैं इस पॉइंट से, वर्टिकल लाइन। बॉक्स में आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल पता चलता रहेगा। अगर आपकी लाइन वर्टिकल होगी तो वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल होगी तो हॉरिजेंटल लाइन इसमें शो होंगी। ये हमारा एक अंडर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन गया है। स्मार्ट डायमेंशंस का यूज़ करते हैं, 185। आप यहाँ पे कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं जो आप प्रेफर करते हो अपने ड्राइंग के लिए। जब हम लास्ट डायमेंशन करेंगे तो ये मेनू फिर से खुल जाएगा, ड्राइव एंड और ड्राइविंग। पिछले ट्यूटोरियल में आपको ये बताया गया था। अगर आपको हमारे ट्यूटोरियल के बारे में और भी जानकारी चाहिए हो, या आप ड्राइंग के बीच में कहीं पे फंस रहे हो, या आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, सॉलिड वर्क्स ट्यूटोरियल। उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइन प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर एक दूसरी लाइन को कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट करेंगे। मैं एक वर्टिकल, मैं एक हॉरिजेंटल, मैं एक वर्टिकल, मैं एक कोलिनियर, मैं एक परपेंडिकुलर, मैं एक पैरेलल, मैं एक इक्वल। तो यहाँ पे मैं इक्वल का यूज़ करते हैं। जब हम यहाँ पे मैं इक्वल का यूज़ करेंगे तो ये ओवर डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन दी गई है और यहाँ पे नहीं दी गई है। तो अगर हम एक जगह की यहाँ से डायमेंशन हटाते हैं तो ये इक्वल हो जाएंगे और आपका फिगर भी डिफाइंड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में लाइन सेलेक्ट, मैं कोलिनियर। अब आप यहाँ से डायमेंशन हटाएंगे या फिर यहाँ से हटाएंगे तो एक कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे मैं ये डायमेंशन हटाता हूँ तो ये कोलिनियर हो गया। अब आप इसको इसको सेलेक्ट करिए, मैं कोलिनियर। आप ये डायमेंशन हटाएंगे, ऊपर हो गया। अब आपकी लाइन प्रॉपर्टीज बची, मैं एक इक्वल, मैं एक फिक्स्ड, मैं एक पैरेलल, मैं एक परपेंडिकुलर, मैं एक वर्टिकल, मैं एक हॉरिजेंटल। प्लेन में दूसरी तरफ आते हैं, लाइन सेलेक्ट करते हैं, फिर से लाइन सेलेक्ट करते हैं, लाइन सेलेक्ट, परपेंडिकुलर। यहाँ आपकी परपेंडिकुलर लाइन बन गई है। लाइन 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 इसको मैं एक हॉरिजेंटल, मैं एक वर्टिकल, कंट्रोल के साथ में दोनों सेलेक्ट, मैं एक पैरेलल। ओके, ये आपकी पैरेलल हो गई। आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं एक पॉइंट से उठा के। आइए एक डिज़ाइन तैयार करते हैं जिसमें ये सभी कंपोनेंट यूज होंगे। लाइन लेते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ओके, सर्कल लेते हैं, सर्कल। ये पॉइंट टू पॉइंट लाने से इसका प्रोजेक्शन दिखता है, इसे मिड पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे डायमेंशंस का यूज कर रहे हैं हम।
एक बार फिर से स्मार्ट डायमेंशंस। अब यहाँ पे हमारे इस डायमेंशन को करने पे ये ड्राइव एन और ड्राइविंग मांग रहा है, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। मतलब अब ये आपका अंडर डिफाइंड है, ओवर डिफाइंड नहीं है। अब ये आपके उसके लिए तैयार है, इसमें इसके भी डायमेंशन दे देते हैं। लाइन प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, मेक पैरेलल। ये पहले से पैरेलल थी तो बस इसमें आपको ये दिखाई देगा जो इसमें फंक्शन यूज हुआ है पैरेलल वाला। स्किप कंट्रोल सेलेक्ट ऐसे हम चारों को पैरेलल कर सकते हैं, इसमें ये सभी में ये दिखाएगा। ऐसा करना जरूरी तो नहीं होता है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपका फिगर ये ओवर डिफाइंड ना हो तो उसमें कंफर्मेशन के लिए ये सभी पैरेलल हो जाती हैं, जिसको आपको एक एक करके सीधा नहीं करना पड़ेगा या आपको ड्राइंग फिर से नहीं बनानी पड़ेगी। जैसा कि ऑटो कैड में होता है ऑफसेट, वैसे ही इसमें भी ऑफसेट होता है। लाइन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑफसेट इंटेंटिटीज, चाहे इधर की ओर, ये यहाँ पे डायमेंशन लिखनी रहती है कितनी दूर हमें करना है, 90। ओके, जैसे आपको ये पूरा फिगर ऑफसेट करना है, इसमें आपकी सिर्फ लाइनिंग ही ऑफसेट होंगी, डायमेंशन नहीं होंगी, ऑफसेट इंटेंटिटीज। और अगर आप इसको कंट्रोल और माउस लेफ्ट और माउस ड्रैग इसके साथ में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको इनर में चाहिए तो इनर और आउटर में चाहिए तो आउटर। ये पॉलीलाइन की तरह यूज होता है इसमें, जैसे अगर आपका कोई बंद एरिया है तो उसमें यूज होगा। पूरा एरिया आपका बंद है, अगर आप यहाँ पे ऑफसेट करते हैं तो आपका इस टाइप से यूज होगा। ऑटोकैड में ऐसा होता था कि पहले हम लोग को फिगर बनाना पड़ता था, उसके सभी लाइन ज्वाइन करनी पड़ती थी, पॉलीलाइन या फिर पॉलीलाइन का यूज करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पूरा एक फिगर कंप्लीट हो जाता है, तो एज अ होल ब्लॉक ही यूज होता है। इसमें मिरर इंटेंटिटीज का यूज करके देखते हैं। मिरर इंटेंटिटीज मैंने बताया था आपको पिछले ट्यूटोरियल में, अगर आपको कॉपी चाहिए हो, मतलब इधर का भी पार्ट चाहिए हो अगर आपको, तो आप कॉपी पे क्लिक रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए हो तो आप इसको हटाकर मिरर अबाउट यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको। स्किप करते हैं, लाइन लेते हैं, सेलेक्ट मिरर इंटेंटिटीज, कॉपी मिरर अबाउट, देन राइट क्लिक, ओके। इधर आपकी डायमेंशंस नहीं दिखाएंगी, डायमेंशन इधर ही दिखाएंगी ओनली। अगर आप इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, बाकी उधर आप कॉपी से हटा भी सकते थे अगर आपको ये डिलीट ही करना था तो। इसमें अधिकतर फंक्शंस ऑटोकैड की तरह ही होते हैं, पर इसका यूज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में कम होता है। सिविल इंजीनियरिंग में तो ना के बराबर ही होता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अपने ट्यूटोरियल के यहीं पे एंड करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम कुछ नई इंटेंटिटीज के बारे में बताएंगे, कुछ टूल्स, यहाँ के जो टूल्स दिए गए हैं इनके बारे में बताएंगे,
इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और कुछ नई एक्सरसाइज के साथ में आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रॉयल सिविल इंजीनियर्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।